हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बच्चों हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ कि कंडक्टिंग प्लेट्स को जब अर्थ किया जाता है तो कैसे, क्या उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट्स को लेकर के ही हम कैपेसिटर बनाते हैं, कैपेसिटर में कंडक्टिंग प्लेट्स ही रखी होती हैं। तो जो कंडक्टिंग प्लेट्स की इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली यहाँ पूछ ली जाती हैं कैपेसिटर चैप्टर में, और मोस्टली प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबली जेई एडवांस के लेवल पर तो बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वन बाय वन, हालांकि कंडक्टिंग प्लेट्स आपने पढ़ा हुआ हो शायद, ओके, बट उसकी जो अर्थिंग का सिचुएशन है, उसकी जो अर्थिंग के क्राइटेरिया, उसके बारे में सारा डिस्कशन आज की क्लास में मैं करने वाला हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स भी करने हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास में एक प्लेट है, हालांकि इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि अर्थिंग की बात करेंगे कंडक्टिंग प्लेट्स से रिलेटेड के। सो सपोज करिए मैंने इसको चार्ज क्यू दे दिया, एंड एज दिस प्लेट इज आइसोलेटेड। ये कैसी है? आइसोलेटेड है। तो क्या होगा इसके इस साइड पे और इस सरफेस पे, दोनों पर क्यू बाई टू और क्यू बाई टू सिमेट्रिकली डिस्कस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके ठीक है, इस पर भी क्यू बाई टू का चार्ज आ गया और इस पर भी क्या आ गया, क्यू बाई टू का चार्ज आ गया। पास में कोई भी बॉडी पड़ी हुई नहीं है, कोई भी नियर बाई में कोई भी बॉडी नहीं है, सराउंडिंग में कोई चार्ज और सराउंडिंग में नहीं है। सो यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा। अब सपोज करते हैं कि मैं इसको क्या कर दूं, थ्रू अ स्विच मैं इसको क्या कर दूं, अर्थ से कनेक्ट कर दूं, कनेक्टेड बाई अर्थ। अगर मैं इसे अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, सपोज यहां पर इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? अर्थ से कनेक्टेड बॉडी का क्या जीरो हो जाता है? फाइनली पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग क्या होगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा? इसका पोटेंशियल तो तभी जीरो हो सकता है जब इसका पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि एक आइसोलेटेड बॉडी है और आइसोलेटेड बॉडी में पोटेंशियल जीरो के होने के साथ साथ तो उसका चार्ज भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फाइनली फाइनली क्या होगा, इन द फाइनल सिचुएशन इसका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस कंडक्टिंग प्लेट का। ओके, ये तो एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया हो गया, जबकि कोई भी बॉडी सराउंडिंग में नहीं है। अब सपोज कर लेते हैं इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा। लेट्स एज्यूम कि यहां पर एक मेरे पास वापस से प्लेट रखी हुई है और से मैंने अगेन इसको चार्ज क्यू दे दिया, ओके। लेकिन अब की बार यहां पर एक और प्लेट रखी हुई है। ध्यान से समझना सिचुएशन को, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर एक और प्लेट रखी हुई है एंड दिस इज इनिशियली अनचार्ज। ये कैसी है? न्यूट्रल है, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले हुआ था, क्योंकि ये तो अनचार्ज है तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन को तो पहले डिस्टर्ब करेगी नहीं। ओके, दिस इज क्यू बाई टू एंड दिस इज अगेन क्यू बाई टू। अब क्या होगा, ये क्यू बाई टू चार्ज क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर देगा तो वो सरफेस पर आ जाएंगे, समझिए, और उनका मैग्नीट्यूड भी अपोजिटली क्या होगा, माइनस क्यू बाई टू होगा। इस चीज को हम ये भी समझ सकते हैं कि यहां से जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो यहां पर क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टिंग मटेरियल को पेनेट्रेट तो कर नहीं सकती, तो उनको यहां पर टर्मिनेट होना पड़ेगा इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहां टर्मिनेट होने के लिए यहां पर इक्वल का माइनस क्यू बाई टू का चार्ज आ जाएगा, अगर इस पर क्यू बाई टू का चार्ज था तो। ठीक है, ओके, अब यहां पर माइनस क्यू बाई टू का चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर प्लस क्यू बाई टू का चार्ज आएगा। और ये चीज हमने पहले एज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी समझी थी, और इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करके भी हमने डिराइव करा हुआ था, प्रूफ किया हुआ था, और कंडक्टिंग प्लेट में इसको आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी हमारा मोटिव क्या है? अभी हमारा मोटिव यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कशन करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि आफ्टर द अर्थिंग क्या होगा। अब एज्यूम कर लेता हूं मैं कि मैंने विद द हेल्प ऑफ अ स्विचेस इस वाली प्लेट को
कंडक्टिंग प्लेट को मैंने क्या कर दिया, अर्थ हिट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया। देन अब क्या होगा बच्चों, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप समझें, अभी क्या क्या हुआ ये बात आप अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो मैं उसको एक बार कैप्चर कर दे रहा हूँ कि इस प्लेट पर मैंने क्यू का चार्ज दिया, वो चार्ज q/2 डिस्कस हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर सामने एक और प्लेट रखी हुई है जो कि इनिशियली अनचार्ज थी, इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, तो इस q/2 ने यहाँ पर एक चार्ज को इंड्यूस कर दिया। इसको मैंने ऐसे भी समझाया आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा, टर्मिनेट होना पड़ेगा, क्योंकि इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर -q/2 का चार्ज आ गया और यहाँ पर +q/2 का चार्ज है, और इस वाले इंटरफेस पे +q/2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब -q/2 का चार्ज निकल करके आया तो वो आया तो यहीं से ही, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चार्ज क्या हो गया, +q/2 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी। अब अर्थिंग करने से होगा क्या, अर्थिंग करने के बाद क्या चीज जीरो होती है बच्चों, अगर हम अर्थिंग करते हैं तो हम पोटेंशियल क्या होता है उस इंटरफेस का, उस बॉडी का, उस कंडक्टिंग बॉडी का, जो भी बॉडी हमने लिए, उस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब यहां पर इस सिचुएशन में ये जो दूसरी वाली प्लेट है जिसको मैंने अर्थ किया है, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सोचो इसका पोटेंशियल, यहां पर इसका पोटेंशियल है किसकी, किसकी वजह से, अगर यहां पर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इस -q/2 की वजह से जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां q/2 की वजह से भी होगा। इसका मतलब ओवरऑल इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से तो यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या इसके प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, वो भी पॉजिटिव में। तो अर्थ क्या करना चाहेगी, सोचो वो ध्यान से, अर्थ ये चाहेगी कि भाई इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाए। अब अर्थ इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए क्या करेगी, भाई भाई चार्ज देगी। अर्थ में तो दोनों चीजें हो सकती हैं, अर्थ इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकती है और अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकती है। तो अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी, क्यों, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और फाइनली इस इंटरफेस या इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए ऐसा होगा। तो अब अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने इस सिचुएशन में यहां पर चार्ज देना स्टार्ट किया, बहुत ध्यान से समझे, अर्थ ने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देने से क्या हुआ, पहले तो ये वाला चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ऐसे एकदम से तो इस पर चार्ज आ नहीं जाएगा नेगेटिव का एक्सेस में, ये न्यूट्रलाइज हुआ। ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये वाला जो चार्ज -q/2 है ये धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया। अब समझिएगा, ये न्यूट्रलाइज हुआ और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये क्यों न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि जब तक ये है तब तक तो यहां पॉजिटिव चार्ज ही है ना। अब प्लेट क्या चार्ज, अब अर्थ क्या चाह रही कि यहां पर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाए जिससे यहां नेगेटिव पोटेंशियल आए, जो कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल के, इसकी वजह से यहां जो पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है इस वाली प्लेट की वजह से, उसके बराबर हो जाए, जिससे कि दोनों पोटेंशियल कैंसिल होकर यहां पर इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, क्योंकि ये प्लेट किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, बट हम इसे डिटेल में समझा रहे हैं। ओके, जैसे कि आपको रटना नहीं पड़े इन चीजों को, बच्चे रट लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ के ध्यान रखें, जैसे कि क्वेश्चन कैसा भी बने, दो प्लेटें हो, तीन प्लेटें हो, चार प्लेटें हो, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, अच्छा अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग गया, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ते 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 एक सिचुएशन यह आएगी कि यह तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, अब यह -q/2 बढ़ने लगा। -q/2 बढ़ने से क्या हुआ, -q/2 के बढ़ने से यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहां का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। अब धीरे धीरे ये वाला चार्ज कम होने लग जाएगा और ये खिंच करके किधर की तरफ जाने लग जाएगा, इधर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है ना, ओके, वो तो मैंने लाइन समझाने के लिए बना दी है। ठीक है ना, ओके, चलिए। सो हुआ क्या, ध्यान से समझिए, तो अब धीरे धीरे इस वाला, ये वाला जो q/2 है ये बढ़ने लग जाएगा, इससे चार्ज बढ़ने लग जाएगा, और ये q/2 क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। फाइनली थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, अब मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये थ्रू आउट द सारे के सारे चैप्टर में हम इसे यूज करेंगे। यहां पर
धीरे 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 पूरा का पूरा चार्ज क्यू आ जाएगा, और यहां पर भी चार्ज बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, और यहां का चार्ज जीरो हो जाएगा, और यहां का चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाली प्लेट तो ग्राउंडेड है ही ऑलरेडी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ओके, क्या हुआ कि यहां का पूरा चार्ज, ये वाला जो चार्ज था ये कम होते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वाला चार्ज बढ़ते 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 कितना बढ़ सकता है, पूरा का पूरा क्यू बाई टू यहां आ जाए तो क्यू बाई टू पहले से था, और क्यू बाई टू और आ जाए तो टोटल चार्ज क्या हो गया इस वाले इंटरफेस पे, क्यू का चार्ज हो गया। अब इस पे मैंने अपोजिट का क्यू माइनस क्यू क्यों बनाया, क्योंकि वापस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करने वाली बात समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि यहां पर जितना चार्ज होगा उसका ही अपोजिट बाय द इंडक्शन यहां पर होगा, या ऐसे समझ सकते, लेकिन यहां ये चार्ज पहले बढ़ा है उसके वजह से ये चार्ज यहां पर खींच के आया है। ओके, तो इंडक्शन बोलना उतना प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, यहां पर इंडक्शन तो पहले हुआ इनिशियल स्टेजेस में। ओके, अब ये चार्ज किसकी वजह से बढ़ा, ये बढ़ा है अर्थ की वजह से, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, क्योंकि अर्थ क्या चाह रही थी, अर्थ ये चाह रही थी कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाए, नल फाई हो जाए। ओके, जीरो हो जाए। ओके, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उस वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखें कि वेन एवर वी कनेक्ट द एनी कंडक्टिंग प्लेट टू द अर्थ, जब हम किसी कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जैसे देखो यहां कनेक्ट किया मैंने अर्थ से, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, आउटर सरफेस पर चार्ज क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ओके, सो इसे एज हम रिजल्ट बोल सकते हैं, व्हेन वी कनेक्ट एनी कंडक्टिंग प्लेट व्हेन वी कनेक्ट एनी कंडक्टिंग प्लेट टू अर्थ, देन द चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बी जीरो इन सिस्टम। In system of plates, ठीक है ना। ओके, जब हम कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग प्लेट को, ओके, अर्थ से, मतलब अर्थिंग कर दी, देन द चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस विल बी जीरो इन द सिस्टम ऑफ द प्लेट, मतलब यहां पर भी चार्ज क्या हो गया, जीरो, और यहां पर भी चार्ज क्या हो गया, जीरो। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, यह कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस को करने में, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी जब कभी भी अर्थिंग की बात होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो वो सिचुएशन हो गई कि जब हमने क्या किया, हमने दो प्लेट्स ले ली और दो प्लेट्स में से एक प्लेट को क्या कर दिया, एक प्लेट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब सपोज कर लो कि कोई बंदा इस प्लेट को भी क्या कर दे, अर्थ कर दे, देन फाइनल सिचुएशन क्या होगी, आइए थोड़ा सा समझते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके बाद दो के बाद तीन प्लेट्स लेकर के थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि अगर तीन प्लेट की सिचुएशन होती और मैं वहां पर अगर प्रॉपरली अर्थिंग करता तब क्या सिचुएशन होती। ओके, चलिए उसे क्वेश्चन के मीडियम से भी समझ लेंगे, लेकिन चलिए ये जो रिजल्ट मैंने लिखाया है इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा कि जब कभी अर्थिंग होगी तो फिर चाहे दो प्लेटें लगी हो चाहे तीन प्लेटें लगी हो, आउटर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होने के दो रीजन है, एक तो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से समझाया, दूसरा ये भी कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो मिनिमाइज होना चाहेगी, सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज होना चाहेगी, सराउंडिंग में भी मिनिमाइज होना चाहेगी, तो उस वजह से भी चार्ज आउटर सर्फेस पर क्या आता है, जीरो आ जाता है। जैसे सपोज कर लो मैं यहां पर तीन प्लेट्स ले लूं, अभी मैं सिमेट्रिक सिचुएशन ही ले रहा हूं, बाकी सिचुएशन कैसी भी दी जा सकती है आपको, तीन प्लेट्स है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है ना। इस प्लेट को मान लीजिए मैंने कुछ चार्ज दे दिया, अब इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये प्लेट और ये प्लेट यहां से सिमेट्रिकली लगी हैं या नहीं लगी हैं। अगर मैं बोलूं ये भी डी है और ये भी डी है, देख लीजिए तब तो कोई फाइट ही नहीं है, अगर आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो क्यू बाई टू इस पे आएगा और क्यू बाई टू इस पे आएगा, ठीक है ना। अगर ये भी डी पर लगी हुई है और ये भी डी सेपरेशन पर लगी हुई है प्लेट, फिर उसके बाद बाय द इंडक्शन ये माइनस क्यू बाई टू हो जाएगा और बाय द इंडक्शन ये माइनस क्यू बाई टू हो जाएगा। ओके, ये माइनस क्यू बाई टू होगा तो इधर की तरफ प्लस क्यू बाई टू आ जाएगा और इधर की तरफ प्लस क्यू बाई टू आ जाएगा, ऐसा सिस्टम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं,
ठीक है ना। ओके अच्छा, फिर उसके बाद मैं किसी एक को ग्राउंड कर दूं, सपोज कर लो मैं थोड़ा सा चार्ज लिख भी देता हूं, इस पे आ गया माइनस क्यू बाई टू, इस पर भी आ गया माइनस क्यू बाई टू, इस पर माइनस क्यू बाई टू, तो इस पे प्लस क्यू बाई टू, और इस पर भी क्या आ गया प्लस का क्यू बाई टू, ठीक है ना। अब सपोज कर लो मैं किसी एक को ग्राउंडेड कर दूं, इसको ही ग्राउंडेड कर दूं, तो क्या होगा? तो इस वाली इंटरफेस और इस वाली इंटरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ लें ध्यान से, इस चार्ज को और इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। ओके बच्चों, ध्यान रखें इस बात का। फिर उसके बाद आप फाइनली जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चाहें वैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इस चार्ज को जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब ये तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, अब इस चार्ज को जीरो करना पड़, इस चार्ज को जीरो कर दिया मैंने, और इस चार्ज को भी मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। इसको मैंने जीरो किया तो इसका मतलब अर्थ से कितना चार्ज आ गया, अब वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपने चार्ज सप्लाई किया, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद फाइनली उसी हिसाब से आप सबका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये एक सिचुएशन थी, और चाहे तो अनसिमेट्रिक सिचुएशन भी ले सकते हैं, हालांकि सिमेट्रिक सिचुएशन थोड़ी आसान थी, नॉन सिमेट्रिक सिचुएशन थोड़ी सी टफ होती है। जैसे मैं मान लो यहां पर एक नॉन सिमेट्रिक सिचुएशन लेता हूं, अब जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया सेपरेशन डी का, और यहां पे सेपरेशन ले लिया मैंने टू डी का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां डी का ले लिया और यहां टू डी का ले लिया। अब अगर आपने इसको क्यू चार्ज दिया तो अब आप यहां क्यू बाई टू नहीं बांट सकते, बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहां पर आपको कुछ चार्ज क्यू वन लेना पड़ेगा, यहां पर कुछ चार्ज क्यू टू लेना पड़ेगा, और पहली सिचुएशन आपके पास में रहेगी कि Q1 प्लस Q2 का सम क्या होगा? Q के बराबर होगा। अब अगर यहाँ पे मैंने Q1 ले लिया है, देन इस इंटरफेस पे ऑब्वियस सी बात है माइनस Q1 चार्ज आएगा, ओके, और इस वाले इंटरफेस पे माइनस का Q2 चार्ज आएगा, ठीक। अभी मैंने अर्थिंग नहीं करी है, लेट्स एज्यूम कि मैं यहाँ से अर्थिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ अर्थिंग कर दूँ सपोज, तो इस वाले इंटरफेस पे भी चार्ज जीरो हो जाएगा, और इस वाले इंटरफेस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। सपोज इसको भी अर्थिंग कर दें, तो कॉन्सेप्चुअली हमें समझना पड़ेगा। अब हमें इस डिवीजन के लिए Q1 निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सपोज कर लो कि ये वाली प्लेट भी जीरो पोटेंशियल पर है, ये जीरो पोटेंशियल पर है, ये किसी वी पोटेंशियल पर होगी, तो मुझे यहां का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ओके, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, फिर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा E1 into D, ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा, बट वो होगा क्या? E2 into 2D। देन फर्दर हम E1 और E2 की वैल्यू रखना जानते हैं, उन्हें रख करके इक्वेशन सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। सो इट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। ओके, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे आप, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी, और यहां पर क्या लेंगे आप, Q2 अपॉन ए इनटू टू डी, ठीक है, ओके, कैंसल आउट, टी डी कैंसल आउट, Q1 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास में, टू टाइम्स क्यू टू, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ रख दूँ, टू क्यू टू प्लस क्यू टू इक्वस टू क्यू, तो क्यू टू आ गया मेरे पास में क्यू बाई थ्री, क्यू टू मेरे पास में क्यू बाई थ्री आ गया, और अगर क्यू टू क्यू बाई थ्री आ गया देन क्यू वन क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू बाई थ्री, मतलब 2q by 3, सही है ना, ओके। देन q1 भी आ गया और q2 भी आ गया। अब फाइनली हम यहां चार डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं, ये 2q by 3 हो जाएगा, ये माइनस 2q by 3 हो जाएगा, ये q by 3 हो जाएगा, और ये q by 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और आउटर सरफेस पे चार्जेस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वन बाई वन भी अर्थिंग के लिए बोला जा सकता है, एक साथ भी अर्थिंग के लिए बोला जा सकता है, तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करें, कभी आपसे मिस्टेक
नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। चलो मैंने पहला क्वेश्चन ये उठाया है, ध्यान से देखें। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, एक फिगर, दो फिगर दिए हुए हैं, दो प्लेट दिख रही हैं, एक यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, और एक S1 है और एक S2 प्लेट है। कहते हैं व्हेन बोथ द स्विचेज आर ओपन, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट जो है ये कैपेसिटर में तो पूछी ही नहीं जा सकती, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट में, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है क्वेश्चन, वो मर्ज करके ही आता है, स्पेशली एडवांस लेवल पर। उसमें कैपेसिटेंस भी यूज हो जाएगी आपका, कंडक्टिंग प्लेट का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा, और कई बार तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, जेई का कोई भरोसा नहीं है, सो हर तरह से अपने आप को आप तैयार रखें। इस बार जो जेई एडवांस का पेपर आया वो बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही शानदार पेपर आया है। ओके, तो उस पेपर को देखते हुए आप हर लेवल की तैयारी अपनी रखें। सो बेटा ये एक प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 है और ये मैंने Q2 लिया। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, पहली सिचुएशन में उसने बोला बोथ द स्विचेज आर ओपन, दोनों स्विचेज ओपन है मेरे पास, तो दोनों स्विचेज ओपन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तो बहुत सिंपल सा खोज गया मेरे लिए कि अब ये ए है और ये प्लेट बी है। उसने बोला कि ए प्लेट को आप 100 का चार्ज देते हैं, तो इसको दे दिया मैंने 100 माइक्रोकूलम का चार्ज, और बी को कितना चार्ज देते हैं, एंड बी हैज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम। अब तो आप सिंपल फंडे से लगा सकते हैं कि टोटल चार्ज का हाफ चार्ज आउटर सरफेस पर रिसाइड हो जाएगा, तो 160 बाई 2 मतलब कितना 80, तो 80 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा और 80 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा। अब सिंपली आप समझ सकते हैं कि 80 माइक्रोकूलम यहाँ आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 20 माइक्रोकूलम। यहाँ 20 आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली -20 माइक्रोकूलम आएगा। ओके, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब फिर आप बैलेंसिंग भी देख लें, 80 और -20 ये कहीं से कनेक्टेड तो है नहीं, तो चार्ज कहीं जा सकता नहीं है इसका, तो 80 -20 60 एंड 80 +20 100, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब चलते, ये तो पार्ट ए का सोल्यूशन हो गया, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या बोला, व्हेन ओनली स्विच S1 इज क्लोज्ड। अब सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो गई, क्यों अच्छी हो गई, स्विच S1 बंद कर दिया भाई। अब प्लेट्स मैं थोड़ी पतली बनाऊंगा धीरे धीरे करके, अब आप समझेंगे मैं उन्हीं प्लेट्स की बात कर रहा हूं। देखो भाई, S1 को क्लोज कर दिया, जब तुमने S1 को क्लोज कर दिया तो S1 अब ग्राउंडेड हो गया। अब ये पूरी कहानी तो मैंने आपको बता दी कि जब दो प्लेटें होती हैं एक को क्लोज कर देते हैं सामने से ला करके, ठीक है, तो चार्ज हो या अनचार्ज हो, तो कहानी क्या होती है मैंने तो आपको बता दी कि पोटेंशियल यहाँ का जीरो होना चाहेगा, फिर उसी हिसाब से चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट हम लॉजिकली अगर बात करें तो यहाँ पर चार्ज फिर जीरो होगा, और इस इंटरफेस पर भी मैं क्या चार्ज को जीरो बोल सकता हूँ। अगर आउटर इंटरफेसेस पर चार्ज जीरो हो गया तो आप सोचें कि Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके पास क्या चार्ज था पहले से, इसके पास, इस प्लेट के पास पहले से 100 का चार्ज था, ठीक है ना, कितने का, 100 का चार्ज था। तो भाई इसके पास पहले से 100 का चार्ज था। अब हम इस प्लेट पर पहले ना फोकस करके हम इस प्लेट पर अगर फोकस कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि इस प्लेट का चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, इसका तो चार्ज आ और जा सकता है, तो इसके चार्ज को हम प्रायोरिटी देते हुए अगर हम देखें कि यहां पर जीरो का चार्ज होगा और यहां भी जीरो का, ये जीरो क्यों हो रहा है ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया। अब मैंने कहा था इसको एज ए रिजल्ट का यूज में लेंगे काम, तब लेते हैं भाई, यहां पर जीरो है और टोटल चार्ज यहां 60 था पहले, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर पूरा का पूरा 60 रिसाइड होगा। अगर यहां 60 हुआ तो सामने वाली प्लेट पर क्या चार्ज आएगा, -60 माइक्रोकूलम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस प्लेट का चार्ज -60 और इस प्लेट का चार्ज +60, तो अब इन वैल्यूज को मैं फिलअप कर दे रहा हूं। ओके, इन वैल्यूज को फिलअप कर दे रहा हूं, तो भाई पहले वाले में तो अगर हम बात करें तो हमने पहले वाले में तो निकाला था Q1 आया था 80, ठीक है ना, माइक्रोकूलम, और Q2 क्या आया था, Q2 आया था 20 माइक्रोकूलम, वो आप फिल कर लेंगे वैसे, Q3 -20 माइक्रोकूलम और Q4 80 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। सेकेंड वाले केस में अगर Q1 की बात करें तो Q1 जीरो आया, Q2 की बात करते हैं तो Q2 -60 आया, सब माइक्रोकूलम में आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, Q3 की बात करें तो +60 माइक्रोकूलम
और क्यू फोर की बात करें तो फिर से 0 माइक्रो कूलम। ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पर अगर मूव करें, तो नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए अब आपको यह समझना पड़ेगा कि प्लेट अगर एक अर्थ करी थी तब तक तो बात ठीक थी, अब भाई दूसरे को भी अर्थ कर दोगे। अच्छा देखो, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस सिचुएशन में देखो ये यहां पर निगेटिव पोटेंशियल बना रहा है, यहां पे प्लस 60 का चार्ज, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है, और यहां का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना, यहां का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, जीरो। अब अगर मैं इस प्लेट को भी कनेक्ट कर दूं, अगले पार्ट सी पार्ट में क्या बोला कि दोनों को कनेक्ट कर दो, तो इसको भी कनेक्ट कर दो। अगर इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से सोचना, इसका पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए और इसका पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। अब इसके चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल आता रहेगा, इसके चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल आता रहेगा, इसका मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रीफाई कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, न्यूट्रीफाई कर देंगे। इसका मतलब फाइनली इस सिचुएशन में सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तभी इस सिचुएशन में इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो पाएगा, जीरो मेंटेन हो पाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना चार्ज अर्थ से फ्लो हो रहा है या कितना चार्ज अर्थ को जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। सो अभी अपने पास इसका आंसर क्या आ गया है, जीरो 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 और जीरो। समझने वाली बात है कि जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल था वो इन दोनों की वजह से नहीं था, दोनों की वजह से अगर होता तो नेट पोटेंशियल तो जीरो हो रहा था, लेकिन चूंकि इस प्लेट का पोटेंशियल भी मुझे क्या सोचना था, जीरो सोचना था। ओके, इस प्लेट के भी पोटेंशियल को जीरो देखना था और इस प्लेट के पोटेंशियल को भी जीरो देखना था। दैट सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल कि जब क्या हो जाए, चारों डायरेक्शन में, मतलब इधर 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 सब जगह का चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, ओके, अदरवाइज ऐसी और कोई सिचुएशन पॉसिबल होगी नहीं, उसे आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपना, चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, सारे सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं उन सबको इसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीन को आप पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई करें। देखिए, एक प्लेट ए दे रखी है, एक बी दे रखी है और एक सी दे रखी है। अब यहाँ डी वन और डी टू का मुझे रेशियो दे दिया है, डी वन इस टू डी टू का रेशियो मुझे दे दिया है 2। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला कंसेप्ट हम यूज़ कर लें। देखिए, इसमें अर्थिंग नहीं करी है तो आप ज़बरदस्ती अर्थिंग मत कर दीजिएगा कि सारे क्वेश्चन अर्थिंग के चल रहे हैं, लाओ इसमें भी अर्थिंग कर देता हूं मैं। अर्थिंग के लिए ना बोला है ना अर्थिंग करी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 60 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया इसको, हंसते हंसते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो टोटल चार्ज दिया जाता है उसका आधा आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थिंग तो हो नहीं रही, अगर अर्थिंग होती तो वो जीरो हो जाता। ओके, इसका मतलब 60/2 30 का तो चार्ज यहां आ जाएगा और -30 का चार्ज यहां आ जाएगा। यहां एक और खास बात करी कि दोनों प्लेटें क्या कर दी, इंटरकनेक्ट कर दी हैं, और साथ ही साथ यहां का डिस्टेंस d1 और यहां का सेपरेशन d2 अलग है, तो मैं इसको सिमेट्रिकली नहीं बांट सकता। अब मुझे नहीं पता कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन मैंने इसको बोला कि ये q3 है और ये क्या है, q4 है, तो मेरे पास में एक इक्वेशन बन गई q3 + q4। इस वैरायटी का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको लेकर के डिस्कस किया था, एक सिचुएशन को, ये उसी सिचुएशन का है, बस उसमें अर्थिंग हो रही थी, इसमें अर्थिंग नहीं हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। q3 + q4 कितना हो गया, 60 माइक्रो कूलम हो गया। ठीक है भाई, q3 + q4 60 माइक्रो कूलम हो गया। अब अगर देखो यहाँ पे q3 चार्ज आ रहा है तो ठीक है, यहाँ q2 बोल रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल में वो -q3 ही होगा, क्योंकि सामने वाली फेसेस पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। ये q4 है तो ये -का q4 ही होगा, क्या होगा, -का q4 ही होगा। हाँ ठीक है, हम उसे q5 कह रहे हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये दोनों मैं सोच लूँ क्या निकलेगी, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल लिख सकता हूँ और यहाँ का पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ। अब सोचो ये किसी मान लो V पोटेंशियल पर रही हो या ये जीरो पोटेंशियल पर रही हो, तो इसका इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है, और चूंकि ये तो इंटरकनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल भी V1 ही हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 डिफरेंस V2 हुआ, यहाँ पे भी V1 डिफरेंस V2 ही हुआ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अब इसको नाम दे देता हूँ, VAB इज इक्वल्स टू VBC। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में भी है।
अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सोचें क्या है। अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं क्यू थ्री चार्ज को यूज़ कर लूँगा, सिग्मा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू थ्री अपॉन ए। प्लेट एरिया जब नहीं दे रहा तो मैं सेम मानूंगा, ठीक है ना। ओके इनटू डी वन, ये तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल लिख दिया। ऐसे ही वो क्या आएगा, क्यू फोर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी टू, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये डी वन से डी टू को जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो डी वन इस टू डी टू का रेशियो टू दे रखा है मुझे, तो डी टू की जगह अगर देखें तो यहाँ पर डी वन की जगह मैं टू डी टू रख सकता हूँ। तो टू क्यू थ्री जब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो इन दोनों का रेशियो टू दे रखा है, तो डी वन की जगह टू डी टू लिख लेना, डी टू कट जाएगा तो टू आ जाएगा। टू क्यू थ्री इक्वस टू क्यू फोर, और एक इक्वेशन पहले से लिखी हुई है वो है क्यू थ्री प्लस क्यू फोर इक्वस टू 60। तो मैं यहाँ से रख देता हूँ क्यू फोर की वैल्यू, तो थ्री क्यू थ्री बन जाएगा, ये क्यू थ्री था और ये क्यू फोर की जगह क्या आ जाएगा, टू क्यू थ्री इक्वस टू 60। तो क्यू थ्री क्या आ गया मेरे पास में, क्यू थ्री आ गया 20। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्यू थ्री 20 आते ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या आएगा। अब देखना ये 20 आ गया, तो ये 20 तो ये माइनस 20, ठीक है भाई, ये माइनस 20, अच्छा, और ये 40, तो ये माइनस 40। अब जरा मैं फाइनली चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में लिखता हूँ, देखते जाइएगा। Q3 क्या आया, Q3 आया मेरे पास में 20, 20 माइक्रो कूलम में है ये सारे चार्ज, समझ रहे हैं, इतने आप समझदार हैं। ओके और ये कितना आया मेरे पास में, ये मेरे पास में आया 40, ये 40 आया तो ये माइनस 40, और ये 20 आया तो ये माइनस 20, और ये पहले लिख लिया था 30 और 30। अब यहाँ पर हम ये कैसे चेक करें कि ये सही है या गलत है, इसको चेक करने का तरीका है कि इनिशियली ए और बी प्लेट जो थी उन पर नेट चार्ज जीरो था, तो जरा ए और बी प्लेट का टोटल चार्ज जोड़ के देख लो, 30 माइनस 20 प्लस 30 और माइनस 40, 40 20 60 60 जीरो। इसका मतलब ए और सी, सॉरी ए और सी का चार्ज मिला करके क्या है, वापस से जीरो है भाई। ए और सी इंटरकनेक्टेड भी थी और साथ में इनका पहले चार्ज जीरो था, तो इन पर कहीं से चार्ज आएगा तो है नहीं, केवल इंडक्शन से यूज हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। ओके तो इनका इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज भी क्या है, जीरो ही है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर फाइनली यही हो जाएगा। तो क्यू वन को हम लिखेंगे 30, क्यू टू माइनस 20 माइक्रो कूलम में, क्यू थ्री 20, क्यू फोर 40, क्यू फाइव माइनस 40 एंड क्यू सिक्स इज अगेन 30। सो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे जिनमें कंडक्टिंग प्लेट्स को मैंने क्या किया, अर्थ किया। आगे आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको इस तरह की और वैरायटी पर, इस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी बनती है, कॉम्प्रिहेंशन तक आते हैं जेई में इस पर बेस्ड, उनका उनका डिस्कशन भी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है ना। ओके एक दो क्वेश्चंस आए हुए भी है जेई में, और अब अगली क्लास में आई होप कि हम लोग स्विचिंग सर्किट की तरफ मूव करेंगे, स्विचिंग सर्किट वाली प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस लगाते रहें। थैंक यू।